Good morning, students. I am Devinder Kaur, Assistant Professor in Economics at Government PG College, Sector 1, Panchkula, Haryana. Today, our topic of discussion is Principle of Acceleration. Now, Principle of Acceleration, जो एक term है, acceleration, accelerator, ये अर्थशास्त्र में हमने ये जो term use की है, that comes from the mathematics. और जिसका मतलब है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो ये जो कंसेप्ट है ये मैथमेटिक्स से हमने लिया है. नाउ बहुत से अर्थशास्त्री जो है इस एक्सीलरेटर के प्रिंसिपल के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि एफ्टालियन, बैकरडाइक, प्रोफेसर जे एम क्लार्क, लॉर्ड केन्स, हिक्स, हैरोड, सैमुएलसन, टिम्बरजन एंड फ्रिश्च, ये सभी अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने की एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया, इस प्रिंसिपल को का जिन्होंने प्रतिपादन किया. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रिंसिपल? It is a principle which examines change in net investment or capital as a result of change in income. Yani ki aaye mein badlav aane se kitna nivesh mein badlav aaya. Due to change in income, what is the change in net investment or capital? यानी कि आय या इनकम या उत्पादन आउटपुट के बढ़ने से हमारी निवेश में जो नेट निवेश है हमारा उसमें कितना चेंज आया, ये कौन इसको मेजर करता है? हमारे पास है एक्सेलरेटर और जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रिंसिपल. तो एक्सेलरेटर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में वी हैव डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई. इसका क्या मतलब है? यहाँ पर डब्ल्यू क्या है? एक्सेलरेटर. के क्या है? चेंज इन कैपिटल. वाई क्या है? चेंज इन इनकम. यानी कि डेल्टा के, यहाँ डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. डेल्टा के चेंज इन कैपिटल, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम. सो डब्ल्यू इज डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन के, जो भी के में बदलाव आ रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है, दैट इज ऑल ड्यू टू चेंज इन डेल्टा वाई. नाउ वी कम टू द डेफिनेशन. तो पीटरसन की सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल क्या है. The acceleration principle asserts that new investment or change in economy's stock of capital is a function of the rate of change in final output. वो कहता है कि जितना भी हमारे निवेश में बदलाव आया है या जितना भी economy के stock of capital में change आया है, वो किस पे निर्भर करता है? That is a function of the rate of change in final output. यानी कि investment में, net investment में, capital में जो भी बदलाव आ रहा है, that is all due to the rate of change in final output. Final output के change आने से हमारे stock of capital में जो भी बदलाव आता है, या हम कह सकते हैं कि हमारी नेट इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर. देन कम्स अजम्पशंस. अब ये सिद्धांत कुछ मान्यताओं पर निर्भर करता है और जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र की कोई भी थ्योरी जो है वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस पर, कुछ ना कुछ मान्यताओं पर बेस करती है. अगर हम वो मान्यताएं लागू होंगी तभी वो लॉ या थ्योरी लागू होती है. तो
अभी हम बात करते हैं थियोरी ऑफ एक्सीलरेशन की, तो ये जो थियोरी ऑफ एक्सीलरेशन है ये भी कुछ मान्यताओं पर निर्भर करती है। तो क्या है वो मान्यताएं? नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब हम एक्सेस कैपेसिटी को साथ में लेकर नहीं चल रहे, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ाएगा वस्तुओं की, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, यानी कि नई मांग को पूरा करने के लिए हमें नए निवेश की आवश्यकता है। वी नीड नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वी नीड न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर कोपिंग अप विद द न्यू डिमांड। अगर अर्थव्यवस्था में नई मांग पैदा होती है तो उस मांग को पूरा करने के लिए नए निवेश का होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या मानता रखी है हमने कि देयर इज अ नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार की एक्सेस कैपेसिटी नहीं है। देन कम्स फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। यहाँ फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या अभिप्राय है इससे, कि हमें एक निश्चित अमाउंट में कैपिटल की आवश्यकता है आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो 5:1 है, दैट मींस कि हमें 5 यूनिट कैपिटल की आवश्यकता है एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का क्या मतलब है कि इसमें थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, थ्रू आउट द टाइम पीरियड जो हम फिक्स मान के चल रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता। हमारी टेक्नोलॉजी में हमारी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। देन इज परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड। मान लीजिए किसी वस्तु की मांग बढ़ी लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है, तो क्या निवेशक निवेश करने के लिए आगे आएगा? नहीं। तो इसीलिए एक्सीलरेशन प्रिंसिपल भी लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ये मानता लेकर चलते हैं, ये अजम्पशन लेकर चलते हैं कि देयर इज अ परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड। जो हमारी मांग है, वो जो डिमांड है, वो परमानेंटली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर परमानेंट बढ़ेगी तभी जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, वो प्रोत्साहित होकर मार्केट में नया निवेश करने के लिए आएगा और नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट इज फर्म विल इंक्रीज कैपेसिटी। इससे क्या अभिप्राय है कि अगर इकोनॉमी में ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि हमें फ्यूचर में निवेश करके प्रॉफिट होगा, तो फर्म जो है अपनी कैपेसिटी को जरूर बढ़ाएगी। इनडिविजिबल कैपिटल इक्विपमेंट्स। अगर मान लीजिए अब हम एक मशीन को खरीदते हैं जो कि 5 साल के लिए हमारे काम आने वाली है, लेकिन हमें पहले ही साल में उसकी पूरी की पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग सालों में उसकी अलग अलग कीमत अदा करेंगे, यानी कि अपनी यूज के अकॉर्डिंगली हम मशीनरी को छोटे छोटे भागों में नहीं बांट सकते। सो आर कैपिटल इक्विपमेंट्स आर इंडिविजिबल। देन इज सरप्लस कैपेसिटी इन प्रोड्यूसर्स गुड्स इंडस्ट्री, यानी कि जो प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्रीज है, हम यहाँ मान के चलते हैं कि उसमें सरप्लस कैपेसिटी है। हम जरूरत के मुताबिक जो इनपुट्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इजीली अगर हम निवेशक हैं, हम निवेश करना चाहते हैं, तो हमें मार्केट से क्रेडिट इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावटें या हर्डल्स नहीं आएंगी। ये एक हमारी अलग मानता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स जो है वो प्रिवेल करती है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, हमें कांस्टेंट रिटर्न्स जो है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से प्राप्त हो रही है। इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने यूज के अकॉर्डिंगली, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली जो हमारे रिसोर्सेज है उनको बढ़ा सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। अब ये थी हमारी सारी अजम्पशन। यहाँ मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जब हम किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसकी कुछ मान्यताएं जो होती हैं उसको सबसे पहले पढ़ते हैं।
तो जब भी आपको उस थ्योरी का क्रिटिसिज्म पूछा जाता है तो उस थ्योरी को हमेशा उसकी मान्यताओं के बेसिस पर ही क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अगर आप कभी ये भूल जाए कि हम क्रिटिसिज्म में क्या करना है, तो अगर आप अजम्पशंस को ही क्रिटिकली इवेल्युएट कर दोगे तो वो उस थ्योरी का क्रिटिसिज्म कहलाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपने। तो अब हम इस प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है ये एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ W क्या है, W इज एक्सेलरेटर, डेल्टा K क्या है, चेंज इन कैपिटल, I यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट को कह रहे हैं हम, डेल्टा Y है चेंज इन इनकम, YT यहाँ ये जो YT है Y के साथ, Y तो इनकम है, T का क्या मतलब है, इनकम इन टी टाइम पीरियड, वाई टी माइनस वन इसका क्या अर्थ है, इनकम इन टी माइनस वन टाइम पीरियड, यहाँ वाई इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी माइनस वन उससे एक प्रीवियस, टी प्लस वन टी से आगे वाला। सो अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को। W is equal to delta Y upon delta, W is equal to delta K upon delta Y. क्या अर्थ है इसका? Acceleration क्या है? Change in capital due to change in income. जैसे कि मैंने पहले बताया था, acceleration principle क्या बताता है? कि income के बदलाव आने पर, इनकम या आउटपुट बढ़ने पर निवेश में कितना इंक्रीज हुआ। जब भी प्रॉफिट होता है, इनकम बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, तो निवेशक प्रोत्साहित होकर नया निवेश करता है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। नाउ हम जानते हैं डेल्टा के क्या है, इट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये क्या है हमारी, नेट इन्वेस्टमेंट। चेंज इन कैपिटल हमारी क्या है, इट इज अ नेट इन्वेस्टमेंट। एंड देन फिर हमने डेल्टा के की जगह क्या लिख लिया, आई। नाउ डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम, दैट मीन्स इनकम इन टी पीरियड माइनस इनकम इन टी माइनस वन पीरियड। तो डेल्टा वाई की जगह हमने ये लिख लिया, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू वन अपॉन, यहाँ वन नहीं है, W इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई टी माइनस वन, नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कि दो टाइम पीरियड्स में हमारी इनकम में क्या बदलाव आया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरी की पूरी एक्सेलरेशन थ्योरी को समझने के लिए हमें इस टेबल को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने 7 कॉलम्स हैं। कॉलम 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड। कॉलम 2 आउटपुट वाई, इनकम आउटपुट दोनों के लिए सेम वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, इसको इंटरचेंजेबली भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल के, दैट इज 3Y, यानी कि हमारे आउटपुट का 3 गुना। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, 1/5 ऑफ के, जो हमारी ये कैपिटल है के, इसका 1/5 है डेप्रिसिएशन। यहाँ एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रही हूँ, पहले ही शुरुआत में बता रही हूँ, ये डेप्रिसिएशन जो है, अगर हम T1 पीरियड की बात करें, जैसे ये 1 पीरियड है, तो ये डेप्रिसिएशन हमने प्री सपोज करके 300 ली है, लेकिन यहाँ जो 300 है, ये जो डेप्रिसिएशन है पीरियड 2 में, दैट डिपेंड्स अपॉन n इज इक्वल टू 1/5 ऑफ k। तो यहाँ पे जो 1/5 ऑफ k है, ये k किस चीज का है, 1/5 ऑफ k प्रीवियस ईयर्स कैपिटल, यानी कि k जो कि हमारे पास 1500 है। तो
तो इस बात का आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है. देन कम्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जो हमारा डेप्रिसिएट हुआ है उसकी जगह पे हमने क्या निवेश किया. नेट इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, केटी, यानी कि कैपिटल इन टाइम पीरियड टी माइनस कैपिटल इन टाइम पीरियड टी माइनस वन. एंड लास्ट हमारे कॉलम में है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और टोटल हमारी 7 टाइम पीरियड्स हैं, तो 7 रोज में जो डाटा है आपके सामने है, और जो फर्स्ट रो थी हमारी उसके जो एलिमेंट्स हैं मैंने उनको आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं एक्सीलरेटर कैसे काम करता है. तो फर्स्ट टाइम पीरियड में हम मान के चलते हैं आउटपुट कितना है हमारा 500. कैपिटल हमने देखा ही है कि अगर आउटपुट 500 है तो कैपिटल क्या होगा, 3 ऑफ आउटपुट. तो ये 500 इंटू 3 कितना है हमारा 1500. डेप्रिसिएशन अभी हम 300 इनिशियली लेके चल रहे हैं. ये 1/5 आपको नजर आ रहा है, n इज इक्वल टू 1/5 के, यही मान के चल रहे हैं कि इससे पीछे टाइम पीरियड में भी कैपिटल हमारी 1500 ही है. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन 300 है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट 300, और नेट इन्वेस्टमेंट अभी कुछ नहीं है, कोई नया निवेश नहीं हुआ है. और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे आती है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट, तो क्या आ जाएगी ग्रॉस, तो 300 प्लस 0 कितनी है हमारे पास 300. तो अब चलते हैं टाइम पीरियड 2. अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन की वर्किंग. आउटपुट बढ़कर हो गया 510. आउटपुट पहले 500 था, 500 से बढ़कर कितना हो गया 510. तो अब हमारी कैपिटल जो है जो 3 टाइम्स है, तो 510 इंटू 3 हमारे पास कितनी आ गई 1530. डेप्रिसिएशन मैंने बताया था प्रीवियस ईयर की कैपिटल डिवाइडेड बाय 5, तो 1500 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया हमारे पास 300. तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट 300, यानी कि डेप्रिसिएशन को ही रिप्लेस करेंगे देन 300, और नेट इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी आ गई 30. अब आप कहोगे ये नेट इन्वेस्टमेंट 30 कहां से आई, तो कैपिटल इन टी टाइम पीरियड माइनस कैपिटल इन टी माइनस वन पीरियड, यानी कि 1530 माइनस 1500, तो हमारे पास 30 क्या है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट. और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट 300 प्लस 30, दैट इज 330. नाउ इन द थर्ड टाइम पीरियड यू कैन सी आउटपुट इंक्रीज टू 525. कैपिटल 525 इंटू 3 1575. डेप्रिसिएशन 1530 डिवाइडेड बाय 5 306. रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम एज डेप्रिसिएशन 306. And net investment is 1575 minus 1530, that is 45. And gross investment is 306 plus 45 and 351 and so on. And this process will continue. You can see in the time period 4, 5, 6 and 7 and so on. So, kya dekha humne? Ultimately, जब भी हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा निवेश भी बढ़ रहा है. ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट देयर इज अ इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट. सो इन शॉर्ट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन प्रूव्स दैट द एक्सीलरेशन इफेक्ट्स नेट इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन इनकम और आउटपुट एंड नॉट ऑन द एब्सोल्यूट चेंज. If the rate of change in income remains fixed, net investment will also remain fixed. Investment will increase with the increase in this rate and decrease with the decrease in this rate. ये आप देख सकते हो, पहले ये increase हुई हमारी investment. You can see increase net investment हमारी बढ़ रही है, फिर constant हुई, फिर zero हुई, और उसके बाद कम होना शुरू हो गई. ये किसके base पे हुआ ये सारा change? This is all due to the change in output. जब हमने आउटपुट में इंक्रीज शो किया, फिर हमने आउटपुट को कांस्टेंट शो किया, और उसके बाद आउटपुट को हमने कम होते हुए दिखाया. सो नाउ यू कैन कोरिलेट द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड नेट इन्वेस्टमेंट.
Now, this is all about the principle of acceleration. Now we come to the point of criticism. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी थ्योरी का क्रिटिसिज्म उसकी assumptions बनती हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट unrealistic assumption of constant capital output ratio. Is it possible that capital output ratio remains same? क्या किसी अर्थव्यवस्था में capital output ratio हमेशा ही constant रहती है? No, it can't be. Technical progress होगी तो हमारी capital output ratio अपने आप change हो जाएगी. Impractical है, असल में ऐसा होना संभव नहीं है. Inaccurate theory है. Inelastic है supply of factors. हम कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से फैक्टर्स को कम ज्यादा कर सकते हैं. क्या हम लैंड की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं? सिमिलरली अगर शॉर्ट पीरियड में हम बात कर रहे हैं तो हम फैक्टर्स की सप्लाई को अपनी इच्छा के अनुसार बढ़ा नहीं सकते. इन्वेस्टर के एक्चुअल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया गया. किसी भी निवेशक जो प्राइवेट निवेशक है जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करता है उस निवेशक को के निवेश को और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं. आउटपुट बढ़ रहा है, दैट इज अ वेरी बिग फैक्टर कि इकोनॉमी में इनकम आउटपुट की जनरेशन है तो निवेशक आगे आएगा, वो निवेश करेगा. लेकिन हम बाकी के फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करते. देन लिमिटेड यूज. इस थ्योरी का इस्तेमाल हम ट्रेड साइकिल्स में करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही कम थियरीज में इसका आगे जो है यूज होता है. एंड सिंपल ट्रूजम है ये एक छोटी सी सच्चाई है. तो इसको हम इतनी जो थियरी की रेलेवेंस जो है उसके अकॉर्डिंगली ये इतनी रेलेवेंट थियरी नहीं है. लेकिन अगर हम कहें कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस है, वेरिएशंस है इन्वेस्टमेंट में, तो ये ही एक थियरी है जो हमें बताती है कि वॉट इज द रीजन. जब हम मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन की बात करते हैं जो कि सैमुलसन ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया है, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कितना इम्पोर्टेंट है. किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, जो फ्लक्चुएशन आती हैं, वो क्यों आती हैं, तो उस थियोरी को ये जो मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन है ये थियोरी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाती है. ट्रेड साइकल्स के आने का क्या रीजन है ये भी एक्सेलरेशन प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करता है. एंड इट इज द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ की हिक्स हैरड का जो मॉडल है, जो बहुत ही फेमस मॉडल है हमारा, उस मॉडल का बेस भी ये प्रिंसिपल बनता है, एक्सेलरेशन का प्रिंसिपल बनता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं. तो शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपने कौन से तैयार करने हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर डिफाइन एक्सीलरेटर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर. आप बताइए कि एक्सीलरेटर की परिभाषा क्या है, इसका फॉर्मूला बताइए और फॉर्मूले की मदद से इसके कंसेप्ट को समझाइए. तो ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपने इसकी परिभाषा देनी है, एक या दो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा, उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूले को इलेबोरेट करना है आपने, और उसके बाद इसके कंसेप्ट की कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन देनी है. देन गिव द मेन अजम्पशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, इसकी मेन अजम्पशंस क्या है. Then what are the importance of the principle of accelerator? Accelerator principle की importance क्या है? Describe the operation of acceleration in an economy. Explain the acceleration. What is its significance in macroeconomics? Very important question. कि acceleration क्या है और इसकी macroeconomics में क्या significance है? यानी कि macroeconomics is the study of economy as a whole. तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है उसका क्या रोल है. ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा
जा सकता है. देन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सीलरेटर एंड मल्टीप्लायर. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्सीलरेटर के कंसेप्ट को बताइए. इसमें आप इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका टेबल, और फिर इसके बाद आप बताएंगे कि एक्सीलरेटर और मल्टीप्लायर दोनों में क्या अंतर है. Then explain the meaning of acceleration. Critically explain the working of accelerator. Acceleration का अर्थ क्या है बताइए और critically explain कीजिए working of accelerator. जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, that means इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ना. जितना भी आज हमने पढ़ा है इसमें इसकी मीनिंग आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इसमें फॉर्मूला एलेबोरेटेड आ जाएगा, पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा, और सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है हमने इसको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है. देन कम्स एक्सप्लेन द एक्सीलरेशन प्रिंसिपल. व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया जाए और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है. जो मैंने इंपॉर्टेंस के आपको पॉइंट्स बताए थे इसमें वो सारे पॉइंट्स हमने मेंशन करने हैं. देन कम्स स्टेट द फंक्शनिंग ऑफ एक्सीलरेटर. एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें हमने फंक्शनिंग बतानी है एक्सीलरेटर की और इसका इलेबोरेटेड पार्ट है कि मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर इंटरेक्शन जो कि सैमुएलसन की थियरी है वो भी इसमें साथ में बतानी है. देन कम्स एक्सप्लेन द मीनिंग अजम्पशंस क्रिटिसिज्म एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सीलरेशन. तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें भी पूरे का पूरा चैप्टर जो है हमारा कवर हो रहा है. इसमें मीनिंग आ गई, अजम्पशंस आ गई, क्रिटिसिज्म आ गया और इम्पोर्टेंस, ये सारे के सारे टॉपिक जो है इसमें कवर हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेशन. थैंक यू.